अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जी क्या कहता है ये स्कोप ऑफ डिक्लेरेशन, जो टॉपिक लास्ट टाइम पूछ रहे थे, क्या नाम है, जमीन, ये वही टॉपिक है। आपने क्वेश्चन किया था, मैंने कहा आगे चले पढ़ेंगे, ये वही चीज़ है। इनको सरसरी तौर पे बता रहा हूँ क्योंकि इतने डीपली इसमें नहीं जाएंगे, ये प्राइवेट और पब्लिक इनको क्लास टू क्लास कॉल करने में बड़े मसले होते हैं, एक चीज़ को पेचीदगी तौर पर देखना पड़ता है। इनमें डिटेल में जाने का मकसद ये है कि आपका प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम बाय डिफॉल्ट जो इसके असाइन हो रहे हैं वो यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। क्यों, हम अपने फंक्शंस नहीं बना रहे हैं, अपने फंक्शंस बनाने लगेंगे फिर हम ये प्राइवेट स्टैटिक सब यूज़ करेंगे। मैं इसलिए इसको इस टॉपिक में डाला है मैंने कि आपको पता चले कि प्राइवेट पब्लिक और इनमें फ़र्क क्या है, क्यों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो वरल बिसाइड्स यूजिंग बिन कीवर्ड टू डिक्लेयर द डेटा, वी मे आल्सो यूज अदर कीवर्ड्स टू डिक्लेयर द डेटा। थ्री अदर कीवर्ड्स आर प्राइवेट स्टैटिक पब्लिक, ठीक है। अब ये भी एक डेटा टाइप आ गया जी, प्राइवेट स्टैटिक पब्लिक। अब ये हम कहाँ यूज कर रहे होते, आपने देखा होगा आपके कंट्रोल्स के ऊपर, कंट्रोल्स के ऊपर यूज कर रहे हैं बटन्स, और उस पर आप देख रहे हो ये शुरू में लिखा होता है पब्लिक स्टैटिक वायर जो भी है, तो ब्रैकेट्स में हैंडलर वगैरह। अच्छा, ये वर्ड्स इनके नामों एडिंग पे, और वही पैटर्न है आपके डिक्लेयर करने का, जो कीवर्ड जिसको कहते हैं वो है प्राइवेट स्टैटिक वर्ड, फिर उसका नाम और उसका डेटा टाइप, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट कीवर्ड डिक्लेयर एज अ लोकल वेरिएबल, विच मीन्स इट इज लोकल टू अ प्रोसीजर और मॉड्यूल। अच्छा, प्राइवेट क्या है, वो सिर्फ अपने उस कोड सेक्शन में ही आप उसको यूज कर सकते हो, आप उसको कहीं बाहर के प्रोग्राम में, बाहर के क्लास में आप कॉल नहीं करा सकते हो। एज अकॉर्डिंग टू हिज नेम, उसका नाम जैसे प्राइवेट है तो प्राइवेट तो लिमिटेड उस पे होता है, वो आप उसको वास्टली यूज नहीं कर सकते। स्टैटिक कीवर्ड डिक्लेयर्स एज वेरिएबल दैट कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स इवन आफ्टर अ प्रोसीजर हैज बीन टर्मिनेटेड। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मोस्ट वेरिएबल्स क्रिएटेड इनसाइड अ प्रोसीजर आर डिक्लेयर्ड बाय यूजुअल बेसिक व्हेन द प्रोसीजर इज फिनिश्ड। हाउएवर द स्टैटिक कीवर्ड प्रिजर्व्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इवन आफ्टर द प्रोसीजर इज टर्मिनेटेड। अच्छा, स्टैटिक जो डेटा टाइप है वो कम ही यूज करते हैं, क्यों, इसकी वजह भी इसमें पीछे बता दिए क्यों। ये मतलब तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और खत्म हो गया तब भी ये इसके अंदर जो वैल्यू रहता है ना वो पड़ा ही रहता है, आप इसको कहीं भी आगे पीछे कॉल करा सकते हो। ये थोड़ा सा मतलब ड्रॉबैक्स आ सकते हैं आपके प्रोग्राम्स में, तो स्टैटिक्स को यूज नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के अंदर खासतौर पर, ठीक है। प्राइवेट ज्यादातर यूज होते हैं, और पब्लिक के नाम से आपको अंदाजा हो गया कि पब्लिक कीवर्ड डिक्लेयर्स अ ग्लोबल वेरिएबल, विच मीन्स इट कैन बी यूज्ड बाय ऑल द प्रोसीजर्स एंड मॉड्यूल्स ऑफ द होल प्रोग्राम। इसको आप पब्लिक, अगर किसी उसको आपने फंक्शन को किसी को आपने बना दिया, उसको डेटा टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, तो आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो अपने प्रोग्राम्स में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी। आप जब एक एप्लीकेशन तो बहुत सारे फॉर्म्स पे होता है ना, एक उसका नहीं होता है एप्लीकेशन, वही है कि उसके काफी सारे फॉर्म हो, ठीक है, मल्टी जिसको कहते हैं। तो उनके आपने फॉर्म वन पे भी अगर फंक्शन बनाया, उसको अगर आपने पब्लिक कर दिया, तो वो आप उसको पांचवे फॉर्म पे जाके कॉल कर सकते हो, उसको जैसे आप यूज करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन टाइप्स जो यूज होते हैं आपने देखा होगा, तो ये उनकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है, याद करने के हद तक। अच्छा जी, अब यहाँ पे मजीद देखो, कॉन्स्टेंट्स सेकंड टॉपिक था हमारा, वेरिएबल्स क्लियर हो गया, कैसे डिक्लेयर हो रहा है, कैसे उसमें वैल्यू डल रहा है, टाइप्स भी बता दिए मैंने आप लोगों को, उनकी जो टेबल्स में जो रेंज थी वो उसके अंदर है, आप उसको एक दफा रिवाइज करोगे और ये टॉप ये वीडियो देखोगे और क्लियर हो जाएगी। अब सेकंड चलते हैं, उसके बाद जी वेरिएबल की जगह पे हम कुछ जगहों पे कॉन्स्टेंट्स की जरूरत पड़ती है। फर्क मैंने बता दिया, वेरिएबल वो है जो वेरी करता है, चेंज टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू इस वर्ड, उस लफ्ज के लिहाज से क्या है, कॉन्स्टेंट हमेशा अपनी जगह पे ही रहता है, एक वैल्यू जो दिया है उससे हम वही स्टैंडर्ड वही उसका होगा, ठीक है। अब आ कॉन्स्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द रन टाइम ऑफ अ प्रोग्राम, द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ कॉन्स्टेंट, तरीके का अगर क्या है वही है, जैसे डिम करके हमने नाम दिया था उसी तरह, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नेम और उसका डेटा टाइप और इक्वल टू वैल्यू। क्यों इक्वल टू वैल्यू, क्योंकि ये कांस्टेंट है, वहीं पे उसका वैल्यू दे दिया, ये चेंज नहीं होना है। हमने इसको एक वेरिएबल लिया कांस्टेंट, उसका कोई नाम दिया, या इंटीजर लेंगे या स्ट्रिंग लेंगे,
और उसका वैल्यू आप इस, अगर हम मिसाल की बात है, मैं इसको अगर यहाँ डेटा टाइप में मैं ले लूँ कॉन्स्टेंट करके, डेटा टाइप में कोई भी नाम दे के डेटा टाइप स्ट्रिंग करूँ, तो इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं आगे? स्ट्रिंग लू मैं कॉन्स्टेंट करके एज स्ट्रिंगर, इक्वल टू मैं क्या दूंगा यहाँ पर? यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट लिया, कोई भी नाम दे दिया, एज इंटीजर करूंगा और इक्वल टू यहाँ पे क्या दूंगा मैं? इसको ध्यान में रखते हुए कि डेटा टाइप आपने कौन सा लिया है, अगर स्ट्रिंग लोगे तो इनवर्टेड कॉमास में दोगे, ये भी ध्यान रखना, अगर इंटीजर लोगे तो ब्लैंक ऐसे ओपन, जैसे ये 3.1, ये पाई की वैल्यू है, हम मैथ्स में पढ़ते आ रहे 3.12 ऑल वर्ल्ड स्टैंडर्ड, यही है पाई की वैल्यू, ठीक है। और एक हमने डिम लिया, डिम का मतलब ये चेंज होगा, ये वो है कॉन्स्टेंट नहीं है, ठीक है। रेडियस मतलब ये वो मैथ में हम पढ़ते थे, मैंने कहा ये बच्चों वाली चीजें हैं, आपको याद हो जाए, रिवाइज कर लो, 1-2 में पढ़ाते हो या पढ़ा हो शायद आपने, ठीक है। एक रेडियस का वैल्यू लिया, उसका टाइप मैंने सिंगल दिया, या भी याद आ रहा है, मैंने टेबल दिखाया था सिंगल लॉन्ग डबल, ये डेटा के टाइप से क्यों दे रहे हैं, तो वैल्यू के हिसाब से अगर बड़ी वैल्यू है तो वो उसका टाइप उस हिसाब से यूज करेंगे। उसी तरह यहाँ पे मैंने फिर एक वेरिएबल दिया, ये इसको सिंगल यूज किया, उसके अंदर ये वैल्यूज मैंने डाल दी है, पाई की वैल्यू यहाँ डाल दी और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर रेडियस मैंने यहाँ पे लाया और उसका स्क्वायर लिया 2 से। मैसेज बॉक्स में मैंने क्या किया, ये मैसेज लिखा कि भाई एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस, अब एंड क्यों दिया, ये रेडियस साथ में आया इसके, और फिर ये रेडियस आर, इसने मतलब बताया आर रेडियस बराबर है किसके आया के, वो एरिया ऑफ सर्कल वेरिएबल यहाँ पे मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इसमें तीन काम होते हैं, सब जगह पे ये तीन काम बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे वेरिएबल को मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, ठीक होगी बात, ठीक है। ये उसका आ गया मैसेज, सही है। ये आर को सिंपल, ये आर का वैल्यू 10 है ना, ये देख रहे हो, ये आर को ये 10 यहाँ पे ले लिया इसने, और इक्वल टू यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके ये सारा जो कैलकुलेट हो रहा है ना अर्थमेटिक, उसके लिए से यहाँ इसने वैल्यू डाल दिया इसको। इसमें कुछ पूछना है? अब तो वेरिएबल कॉन्स्टेंट क्लियर हो जाना चाहिए, 100% तो नहीं, 80% तो हो जाना चाहिए। वेरिएबल्स भी हो गए, कॉन्स्टेंट्स भी हो गए, डेटा टाइप्स भी हो गए, लेकिन मजीद इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दोबारा से वो स्लाइड है रिवाइज करनी पड़ेगी जाके, ठीक है। आगे चलें, ओके फाइन। हाँ, अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड पे जा रहा है, लेकिन अगर समझने की कोशिश करो तो इतना मसला नहीं है, वन टाइम वाला इशू है। अच्छा जी, ये जो हमारा टॉपिक है, आपके टाइम ड्यूरेशन को देख के मैंने ये सोचा कि पहले इसको स्किप कर देते हैं, लेकिन आगे कुछ हमारे ऐसे कंट्रोल्स हैं जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए मुझे डालना पड़ा, क्योंकि थोड़ा टाइम लेगा, मैं कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए, लेकिन आप भी समझने की कोशिश करो ताकि पिक कर लो इसको, लेकिन प्रैक्टिस करोगे इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हमारे पास कुछ फंक्शंस है इसके अपने, ये सारे प्रोग्राम्स में, सारे सॉफ्टवेयर में, चाहे वीबी हो, सी शार्प हो, जावा हो, ये यूज होता है इफ एल्स वाला, ठीक है। ताकि आपके इसमें एक्सेल वगैरह के अंदर भी, ऑफिस के सेक्शन के अंदर भी ये है। ये क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे और वीबी में यूज कर कैसे करते हैं वो यूज भी करेंगे। इफ देन एंड एल्स, इनके लफ्जी मायने भी आप लोगों को पता है, इतनी इंग्लिश तो आती है ना मेरे ख्याल से, ठीक है, या बताऊ मैं, ठीक है। इफ देन एल्स तीन वर्ड्स है, एक स्ट्रक्चर है, यूज टू मेक डिसीजंस, ठीक है, डिसीजंस लेने के लिए ये यूज होते हैं इन प्रोग्राम्स, एंड कंट्रोल दी प्रोग्राम फ्लो, प्रोग्राम एक रन हो रहा है टॉप टू बॉटम, जब उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हम डिजाइन करते हैं जहाँ पे इसकी हमें जरूरत पड़ती है, उस फ्लो के हिसाब से चलते हैं, चलना चाहते हैं, तो ये प्रोग्राम्स हमें, ये स्ट्रक्चर हमें यूज करना पड़ता है इफ देन एल्स वाला। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो एंड टू टेक डिसीजन वी नीड टू यूज कंडीशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, ये स्ट्रक्चर यूज करने के साथ साथ हमें कुछ कंडीशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, उनको सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, दोनों को एक साथ भी यूज कर सकते हैं विद इफ देन एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर इनके साथ, ठीक है। अच्छा,
इफ एल्स पे जाने के लिए जाने से पहले कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन से हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं, इसको जरा समझ लो। इफ देन एल्स स्ट्रक्चर समझ में आ गया, क्या होते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं और प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, और वो प्रोग्राम के कंट्रोल उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए हम इफ एल्स यूज करते हैं। किसके साथ? कंडीशनल ऑपरेटर के साथ और या तो लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, या तो दोनों के साथ या दोनों में से किसी एक को यूज करके, ठीक है, इफ एंड देन एल्स स्ट्रक्चर के साथ। अब कंडीशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से, क्या है ये, इसको देखते हैं। The conditional operators are powerful tools that resemble mathematical operators. ठीक है, mathematical operators आपको पता है कौन कौन से है, दोबारा नहीं बताऊंगा। These operators allow a usual program to compare data values. Data values अभी आपको पता है कौन से है, data भी पता है, value भी पता है, compare करने के लिए होता है, and then decide what action to take. ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स हम यूज करते हैं, ये क्या करते हैं, आपके डेटा के वैल्यू को कंपेयर करते हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं वेदर टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम और टर्मिनेट द प्रोग्राम। ठीक है, मतलब वो वैल्यू, डेटा के वैल्यू को कंपेयर करते हैं जो आपने दिया है प्रोग्राम के अंदर, वो उसको कंपेयर करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं आया इस प्रोग्राम को आगे चलाना है या इस प्रोग्राम को क्लोज करना है। ठीक है, इस ये मजीद एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। दे आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज टू सी वेदर दे आर इक्वल, वन वैल्यू इज ग्रेटर और लेस देन द अदर वैल्यू, द कंपेरिजन विल रिटर्न अ ट्रू और फॉल्स रिजल्ट, दीज ऑपरेटर्स आर शोन इन टेबल। मजीद इसको एग्जाम्पल करने के लिए ये टेबल दिया हुआ, ये आपके कंडीशनल ऑपरेटर्स है जैसे उस डेटा टाइप के थे, इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर और ये लेस देन इक्वल, ये नॉट इक्वल। ठीक है, ये एग्जांपल्स क्या है, दो नंबर्स के दरमियान भी कर सकते हैं या दो नामों के दरमियान भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम डिटर्मिनली उस पर नहीं जाएंगे ज्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ, हम सिर्फ नंबर पर जाएंगे। कोई भी दो नंबर लेंगे, ठीक है, ऐसा कंडीशन बनाएंगे कि भाई पहला नंबर दूसरे नंबर के, या तो अब इन दोनों को यूज कर सकते हो, इसको ये कर सकते हो, इसको कर सकते हो, आप आपके ऊपर है, दो वैल्यू को कंपेरिजन कैसे कराना है आपके ऊपर है, फिर उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि अगर ये कंपेरिजन फाल्स हुआ, क्यों दो नंबर लोगे ना, वन इक्वल टू टू हो, ठीक है, या वन इक्वल टू वन हो, तो प्रोग्राम को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या उसको एंड करना चाहिए, वन ग्रेटर देन टू है तब क्या करे वो, अगर नहीं है तब क्या करे वो, दो ही रिजल्ट देगा उसके ऊपर, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर प्रोग्राम में यूज करेंगे तो। इफ एल्स पे तो जाएंगे, इफ एल्स के अंदर हम ये ऑपरेटर यूज करेंगे, इक्वल ग्रेटर लेस और ये जितने टेबल में नजर आ रहे हैं आपको, तो उनमें से हमें दो ही वैल्यू मिलेंगे, या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कंडीशनल ऑपरेटर समझ आ गया, अब हम चलते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर की तरफ, टेबल भी आया इसका। समटाइम्स वी माइट नीड टू मेक मोर देन वन कंपैरिजन बिफोर अ डिसीजन कैन बी मेड एंड एन एक्शन टेकन। ठीक है, इन दिस केस यूजिंग न्यूमेरिकल कंपैरिजन ऑपरेटर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू यूज एडिशनल ऑपरेटर्स एंड दे आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये ऑपरेटर इसका नीचे दिया हुआ है टेबल, दी ग्लो ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर न्यूमेरिकल डेटा एज वेल एज, ओके इसको बंद करो, ओके रिवाइज कर रहा हूँ। इफ देन एल्स जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली प्रोग्राम के कंट्रोल को, फ्लो को कंट्रोल करता है और उससे वो मतलब एक डिसीजन लेता है। अब वो कंट्रोल उस दौरान प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के दौरान और डिसीजन मेकिंग से पहले वो किसके मदद से करता है वो काम, वो इन दो चीज़ों के, एक आपके जो कंडीशनल ऑपरेटर्स थे, दूसरा ये लॉजिकल है। कंडीशनल कौन कौन से थे, अर्थमेटिक से रिलेटेड, इक्वल टू साइन है, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है, दूसरा तरीका वो प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए इफ एल्स देन स्ट्रक्चर क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हैं।
कुछ जगहों पे आप दोनों ऑपरेटर्स यूज करोगे कंडीशनल और ये लॉजिकल, कुछ जगहों पे हो सकता है सिर्फ या तो लॉजिकल करो या तो वो दूसरा वाला अपना कंडीशनल कर लो। तो कंडीशनल वाले आपने देख लिए समझ लिए, वो कंपेरिजन के लिए होते हैं, कहीं या तो इक्वल कराना है, नॉट इक्वल कराना है, ग्रेटर कराना है, लेस कराना है। अगर वो कंपेरिजन करने के बाद वो आपको एक वैल्यू देगा, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब इक्वल का साइन लगा रहे हैं ना, इक्वल से इस तरफ एक नंबर होगा एक इस तरफ नंबर होगा, या तो एक गलत होगा। अगर दोनों बराबर हुए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा, अगर दोनों बराबर नहीं हुए, एक वन है इक्वल टू बराबर है टू लिखा हुआ, तो वो फॉल्स होगा, वो एक फ्लो हो गया। अब डिसीजन मेकिंग की बात, अगर फॉल्स होता है तो क्या वो प्रोग्राम आगे करे, आप वो प्रोग्रामर भी पढ़े कोई मजीद और कोई चीज डिस्प्ले करे, मैसेज बोल डिस्प्ले करे या प्रोग्राम को बंद कर दे उसके ऊपर है, ठीक है। इसी तरह ग्रेटर देन लेस देन लगाने का भी यही है, या तो वो ट्रू होगा उसका रिजल्ट, या तो फॉल्स होगा, वो कंपेरिजन करेगा ना इस तरफ के वैल्यू को ग्रेटर के और इस तरफ के वैल्यू को दोनों आपस में, ठीक है। यही चीज यहाँ एंड वाला करता है, जो एंड और ये जोर नॉट ये करते हैं, ये लॉजिकल है, ठीक है। अच्छा, इन दिस केस यूजिंग न्यूमेरिक कंपेरिजन ऑपरेटर्स अलोन इज नॉट सफिशियंट, वी नीड टू यूज एडिशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। और ये इनके टाइप्स है, बोथ साइड्स मस्ट बी ट्रू, वहां पे अगर एक एक को अगर हम कंपेयर यहाँ पे करते हैं, देखो एंड हम अगर लगाएंगे, एंड से मुराद क्या होगा कि दोनों आपके वैल्यूज दोनों रिजल्ट सेम होने चाहिए, बोथ साइड मस्ट बी ट्रू। अब इक्वल का हमने कंडीशनल फॉर्मेट अगर लगाते हैं तो उनमें से एक मतलब सही होगा एक गलत होगा, एक ही वैल्यू होगा। या एंड का अगर हम यूज करेंगे तो एंड में हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ये आगे एग्जांपल्स करेंगे, फिर मैं इसको दोबारा रिवाइज करूंगा, फिर आप और मजीद समझ लेना, ठीक है। और का क्या है, और को आपको पता है और का मतलब क्या है, यहां से क्या एक सही होना चाहिए भाई यहां तो, ठीक है। एंड तो हो गया, अभी दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। आप जाते हो नादरा वगैरह कोई इसी जगह पे, वो बोलता है आपके पास ये भी हो और ये भी हो, तब आपका काम होगा, ठीक है। जैसे आप रियल लाइफ से एग्जांपल लेता हूँ, आप किसी जॉब के लिए जा रहे हो, आपको कलर कहता है जी आपको सीट चाहिए 16 ग्रेड की, 15 लाख आप दो और सिफारिश भी दो, दोनों मस्ट है, ठीक है। तो वहां पे एंड वाला आपका ऑपरेटर लग गया, लॉजिकल दोनों मस्ट है। वहां पे अगर और लगाओ, या तो पैसे आप अरेंज करो या तो सिफारिश अरेंज करो, वहां और लग गया, ठीक है। वन साइड और अदर मस्ट बी ट्रू बट नॉट बोथ, ये इसका उलट है, तो एक ट्रू हो लेकिन दोनों सेम ना हो, एंड वाले ना हो, ठीक है। नॉट वही है जैसे वहां पे नॉट था, नॉट इक्वल टू वाला, ठीक है। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हो गए, समझ आ गया। कंडीशनल ऑपरेटर लॉजिकल कोई मुश्किल नहीं है, प्रोग्राम्स में आप इसको करोगे और इजी हो जाएगा। अच्छा जी, उसी क्या कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर और दूसरा आपका लॉजिकल ऑपरेटर को यहाँ हम इफ एल्स में दोबारा स्ट्रक्चर में फ्लो में हम रिपीट करेंगे, फिर दोबारा सुन लेना, ठीक है। यूजिंग द इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर विद द कंपेरिजन, अभी सिर्फ हम कंपेरिजन ऑपरेटर यूज करके हम इफ एल्स की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। टू इफिशियंट कंट्रोल विजुअल स्टूडियो प्रोग्राम फ्लो, वी शैल क्या करेंगे, वी शैल यूज द इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर टूगेदर विद द कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल दोनों के साथ। देर आर बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, ये तीनों टाइप्स यूज होते हैं आपके, ठीक है। डिसीजन मेकिंग के अंदर हम डिसीजन मेकिंग का भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम इफ एल्स इफ देन एल्स स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ये माइंड गौर से सुनो, अगर हम किसी प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग का काम करना चाह रहे हैं तो वहां पे हम इफ देन एल्स का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, और जब ये यूज करेंगे तो हमें कंपेरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे हमें दोनों की पड़ेगी, कहीं पे सिर्फ एक से ही हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये तीन टाइप्स हम पढ़ेंगे इसके इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर के। पहला है इफ और देन स्टेटमेंट, जो है पहला स्ट्रक्चर ये है। दूसरा है इफ देन एल्स, दूसरा स्ट्रक्चर ये हो गया स्टेटमेंट मतलब। तीसरा इफ देन एल्स इफ, ठीक है। अभी प्रोग्राम एग्जांपल के साथ करते रहेंगे, आपको समझ में आएगा किसके साथ कर रहे हैं हम ऑपरेटर कंपेरिजन सिर्फ यूज कर रहे हैं अब यहां पे, ठीक है। अच्छा, दिस इज द सिंपलेस्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर विच
instructs the computer to perform a certain action specified by the visual basic expression if the condition is true. However, when the condition is false, no action will be performed. अच्छा, इसका सेंटेंस क्या है? If उसका condition, then क्या है? बस कुछ नहीं करना, क्योंकि no action. If or then, ठीक है? ये सबसे पहला स्टेटमेंट है, सिंपल वाला है, बहुत कम यूज होता है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका क्या है इस कंडीशन का, कि अगर आपने कोई कंडीशन दी है, वो मैच है, ट्रू है, तो ठीक है. अगर नहीं है तो वो कुछ भी नहीं, नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होगा. ठीक है, अब इसी के एग्जांपल को मैं देखता हूं. यहां पे मैंने एग्जांपल दिया है. एग्जांपल मैंने क्या किया है जी, एक बटन लिया एक फॉर्म के अंदर, ठीक है, और एक वेरिएबल लिया माई नंबर के नाम से, और जाहिर सी बात है उसका टाइप में क्या दूंगा, नंबर है तो इंटीजर दूंगा. इसी तरह माई नंबर का इंटीजर दे दिया, और माई नंबर के अंदर वैल्यू कहां से डाल रहा हूं मैं, एक टेक्स्ट बॉक्स रखा है मैंने फॉर्म के अंदर, उसका जो टेक्स्ट है वो उसका ये वैल्यू है. अब यहां पे मैं लगा रहा हूं पहला जो हमारा टाइप है इफ वाला स्ट्रक्चर का, इफ देन, वो यूज कर रहा हूं. इफ ये कंडीशन है, इफ अगर मेरा नंबर बड़ा हो किससे, 100 से, ठीक है, और यहां पे ये कौन सा है, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, यही यूज होंगे ये. इन ऑपरेटर्स के बगैर आपका इफ देन एल्स जो स्ट्रक्चर है अनकंप्लीट है. जहां पे आपने इफ देन एल्स डिसीजन मेकिंग का काम किया, वहां पे समझ लो आपके ये कंपैरिजन और लॉजिकल दोनों ऑपरेटर होंगे, या दोनों में से एक लाजमी होगा. ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दिया जी, वो टेक्स्ट बॉक्स में जो नंबर दिया है, ठीक है, क्लिक करने पे क्या हो, वो चेक करे. यहाँ पे मेडिसिन है, वो नंबर आपने डाला है, वो नंबर आपके 100 से बड़ा है या नहीं. ठीक है, अगर बड़ा है देन लेबल डॉट टेक्स्ट इक्वल टू यू विन अ लकी प्राइज, एक मैसेज शो हो जाएगा कि जी आपने प्राइज बॉन्ड जीत लिया, कुछ भी कंग्रेचुलेशन जो भी आप देना चाहो ये मैसेज दे देगा वो, अगर वो नंबर 100 से बड़ा हो तो. लेकिन अगर छोटा हो तो ये नंबर में टेक्स्ट बॉक्स में 100 से ऊपर नहीं डालू, 50 डाल दू, फिर तो ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा ना. लेकिन इससे आगे वो करेगा कुछ नहीं. क्यों? हाँ, क्यों? क्योंकि मैंने पहला जो सिंपल स्टेटमेंट है इफ देन एल्स वाला वो यूज किया है. समझ में ये बात, सिर्फ इफ और देन यूज किया है, इसलिए शुरू में यहाँ पे इफ और देन आ रहा है. ठीक है, और यहाँ पे इफ और ये देन आ गया, बस देन से आगे मैंने उसको कुछ करने नहीं दिया, वो सिर्फ मैंने मैसेज बुक दे दिया कि अगर 100 से ऊपर वाला नंबर आएगा तब ये मैसेज प्ले होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा. ठीक है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट समझ आ गया, साथ में कंपैरिजन अभी तक ऑपरेटर यूज कर रहा हूं एज डिस्प्लेड हियर. ठीक है, अच्छा, इधर मैंने यही चीज मैंने बता दी आपको, जो अभी जो होता है इसका इंग्लिश में यही मैंने लिखा हुआ है इस पर. ठीक है, बाद में पढ़ लेना दोबारा से. अब दूसरे पे चलते हैं, इसी एग्जांपल भी फॉलो करेंगे इंशाल्लाह. दूसरे में क्या है, इफ देन एल्स आ गया. ठीक है, यूजिंग जस्ट इफ देन स्टेटमेंट इज नॉट वेरी यूजफुल इन प्रोग्रामिंग एंड इट डज नॉट प्रोवाइड चॉइसेस फॉर द यूजर. चॉइसेस नहीं दे रहा जी, चॉइस कोई नहीं है, बस वो जो प्रोग्रामर ने दे दिया उसी को ही फॉलो करना है अभी. अगर उसी के हिसाब से चलोगे तो ट्रू स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो फॉल्स ही आएगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा. अच्छा, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ चॉइस, अब यहाँ पे चॉइस डिसीजन मेकिंग पे आएगा, तो वो क्या करेगा, वी कैन यूज द इफ देन एल्स स्टेटमेंट. दिस कंट्रोल स्ट्रक्चर विल आस्क द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ सर्टेन एक्शन स्पेसिफाइड बाय द विजुअल बेसिक एक्सप्रेशन इफ द कंडीशन इज मेट एंड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स एंड अल्टरनेट एक्शन विल बी एग्जीक्यूटिव. द सिंटैक्स क्या है इसका जी, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है ये आगे लिख दिया मैंने, इफ देन एल्स स्टेटमेंट आगे स्टेटमेंट. ठीक है, वही एग्जांपल मैंने यूज किया है, एक वेरिएबल लिया है मैंने, वेरिएबल ये कांस्टेंट नहीं है, डिम लगाया तो मतलब वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, उसको इंटीजर बना दिया, सेम वही है, वो टेक्स्ट बॉक्स से वो इंटीजर वैल्यू ले रहा है. यहाँ पे मैंने क्या किया जी, इफ अगर उस वो टेक्स्ट बॉक्स से नंबर आ रहा है वो अगर 100 से बड़ा हो तो क्या हो, मेरे लेबल के ऊपर क्या लिखा हो, कंग्रेचुलेशन. एल्स अगर वो नंबर छोटा हुआ, मतलब ये कंडीशन मैच नहीं हुआ, मतलब छोटा हुआ ना, ग्रेटर टू 100 तो ठीक है, अगर ग्रेटर टू नहीं हुआ तो मतलब छोटा हुआ. अगर एल्स, अगर अत्ता के जिसको एल्स कहते हैं, इसके अलावा अगर इससे बड़ा नहीं हुआ तो इसके अलावा उससे छोटा होगा, इससे अलावा अगर छोटा हुआ तो क्या करे, उस मैसेज बॉक्स पे सॉरी दे दो आप.
तो ये थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग हो गया। 100 से ऊपर मैं नंबर दूंगा तब भी मेरे पास मैसेज होगा, प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। 100 से कम दूंगा तब भी वो होगा, कंपेरिजन करके आपके वैल्यू के, वो कंपेरिजन में क्या हमने कंडीशन रखा है, अगर वो 100 से बड़ा हुआ तो ये कंग्रेचुलेशन दे, अगर छोटा हो तो वो सॉरी कर दे, ठीक है। वो एग्जांपल फॉलो किया हमने, दूसरा टाइप कंप्लीट किया। अब चलते हैं तीसरे पे, समझ में आ रही है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, पैटर्न समझ में आपको, कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है। लेकिन आप बहुत सारे डिसीजन करोगे वो अब आपको, अभी सिंपल सिंपल आप डिसीजन मेकिंग करो ताकि आपको ये समझ में आ जाए। है बड़ा पावरफुल ये फंक्शन, ठीक है, बहुत पावरफुल है, ठीक है। अब थर्ड लास्ट वाला है इफ देन एल्स स्टेटमेंट। इफ देन एल्स कंटिन्यू उसने किया हुआ है, क्या कंटिन्यू किया है, वहां पे सिर्फ कंपेरिजन ऑपरेटर्स था, यहाँ पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया है, वही सेम एग्जांपल है, उसमें कुछ चीजें ऐड की है मैंने, एक नंबर लिया और एक एज भी ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। नंबर तो टेक्स्ट बॉक्स 1 से उठा रहा है, ये एज उठा रहा है आपके टेक्स्ट बॉक्स 2 से, दो टेक्स्ट बॉक्स लिए हैं, एक बटन लिया है और एक लेबल लिया है जिसको मैसेज आएगा जो मैं काम करूंगा, ठीक है। दो टेक्स्ट बॉक्स, एक नंबर एक्सेप्ट करने के लिए, दूसरा आपका क्या एक्सेप्ट करने के लिए बताओ भाई, दूसरा एज एक्सेप्ट करने के लिए और तीसरा एक लेबल होगा वहां पे आपका मैसेज आएगा। अब मैंने यहाँ पे इफ 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 का कंडीशन लगाया, उसमें मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर भी यूज किया है, ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स है दोनों और ये लॉजिकल ऑपरेटर है। मैंने क्या बताया इसको, अगर ये जो नंबर डाला है टेक्स्ट बॉक्स 1 में ये 100 से बड़ा हो और उम्र 60 से ज्यादा हो तब वो आप कंगली है उसको मुबारकबाद देना। अगर इन दोनों में से भी एक भी अगर कंडीशन अगर वो जो है ना वो सही नहीं होती वो आपको सॉरी कह देगा, भले यहाँ पे 100 से ऊपर है लेकिन 160 से नीचे हुआ तब भी वो आपको सॉरी कह देगा। एंड का मतलब ये कि दोनों, ये वाले इस तरफ वाला भी एक्सप्रेशन ट्रू होना चाहिए, इस तरफ वाला एक्सप्रेशन भी ट्रू होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। इफ देन एल्स ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है और ये काफी ज्यादा यूज होगा दूसरा कुछ जगह पे, तीसरा काफी, ये तीसरा स्टेटमेंट इसको समझने की कोशिश करो, सॉरी बल्कि अभी दूसरे पे ही हम, सेकंड पे दो डिसीजन चेक कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे मैंने कंडीशन के साथ साथ लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज कर लिया, ये दोनों तरीके से देखेगा, अगर ये भी ट्रू होगा ये भी ट्रू होगा तब ये मैसेज हमारे पास, अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हुआ तब ये सॉरी कह देगा, ठीक है। अभी करके भी हम देखेंगे, ये लास्ट और आपका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझो तो कोई मुश्किल नहीं है। इफ देर आर मोर देन टू अल्टरनेटिव चॉइसिस, चॉइसिस बढ़ती है तो जाहिर सी बात है आपको स्टेटमेंट उसी हिसाब से फ्लो को देखना पड़ता है। यूजिंग जस्ट इफ देन एल्स सिस्टम इज नॉट सफिशिएंट, अगर चॉइसिस दो से ज्यादा हो गई, वो खुद प्रोग्रामर आपका अभी भी कह रहा है कि ये आपका इफ देन एल्स आपको उस चीज को कैरी ऑन नहीं कर पाएगा, आपको मजीद उसमें आगे जाना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर चॉइसिस, दो से ज्यादा चॉइसिस पे अगर आपका प्रोग्राम जा रहा है तो हम क्या यूज करेंगे, इफ देन एल्स फिर इफ। जनरल स्ट्रक्चर क्या है, इफ हम देंगे वो कंडीशन देंगे, कंडीशन देन क्या हो वो एक्सप्रेशन दे देंगे, फिर हम इफ एल्स, फिर उस अगर वो मीट नहीं होता तो फिर वो कंडीशन पे जाता है, फिर देन पे आता है, फिर उसके एक्सप्रेशन पे जाता है, अगर वो मैच नहीं कर रहा फिर आगे वो इफ एल्स पे जाता है, कंडीशन को चेक करता है, नहीं जाता फिर एक एक्सप्रेशन पे जाता है, एल्स अगर इन तीन चार कंडीशन पे मैच नहीं हो रहा तब जाके आखिर में एक वो रिजल्ट दे रहा है। मतलब आप दो तीन कंडीशन, दो कंडीशन से ज्यादा मैचिंग नहीं हो रही ना, वहां पे हमने दो कंडीशन देखी ना, एक तो वो नंबर मैच करेगा, यहाँ तो नंबर ज्यादा होना चाहिए आप 100 से, और दूसरा क्या था, एज भी उसका ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे और तीसरा एक और कंडीशन होता तो फिर वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता, आपका सिर्फ वो दो ही कंडीशन, या तो वो कंग्रेचुलेशन देता या वो आपका सॉरी कह देता। ये आगे एक एग्जांपल करेंगे उस पर आपको क्लियर हो जाएगा। दो से ज्यादा डिसीजन के लिए, ज्यादा डिसीजन के लिए हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं, ये इसका सेंटेक्स्ट है, यहां तक सिर्फ समझ लो इसको, ठीक है। अभी एग्जांपल में जाके को मजीद मैं आपको समझाता हूँ, ये बिल्कुल सादा सा एग्जांपल लिया है मैंने, ठीक है।
या फिर मैंने क्या किया है, बटन लिया है फॉर्म के अंदर, एक वेरिएबल लिया है मार्क्स शीट, वही मार्क अपने जो रिजल्ट वाला है उसको इंटीजर दिया, एक लिया ग्रेड, ग्रेड जाहिर सी बात अल्फाबेट्स में होते हैं, उसको मैंने स्ट्रिंग कर दिया, वही चीज़ें ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मार्क के अंदर जो वैल्यू आएगा वो कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स में, जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे रखा हुआ है, फॉर्म पे रखा हुआ है, मार्क्स के अंदर वैल्यू कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स पे। अब जी क्या करना है, एक ग्रेड लिए एक मार्क, दो दो चीज़ें लिए हुए हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, अगर मेरा नंबर 80 के बराबर हो या 80 से ज्यादा हो, ठीक है, टेक्स्ट बुक के अंदर जो नंबर डाला है वो 80 के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, क्योंकि सेंटेक्स क्या था, इफ कंडीशन देन लगाना है, फिर ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन वहां यूज हो जाएगा आपके मतलब आंसर के तौर पर। अगर वो नंबर 80 जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स में दिया है वो 80 के बराबर हो या उसके ज्यादा हो तो क्या करे, देन का मतलब तो, ठीक है, तो वो क्या करे, ग्रेड के अंदर डाल दे क्या, ए ग्रेड, इस ग्रेड के अंदर वैल्यू उसका क्या डाल दे, ए ग्रेड। इफ एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब ये आप अगर ऐसा नहीं हुआ मतलब 80 के बराबर और इक्वल टू नहीं हुआ यहां पे, तो आप क्या करो, मार्क के अंदर मार्क जो है ना वो मार्क को किसके बराबर ले, 60 और उससे ऊपर के बराबर हो और 80 और उससे नीचे हो। अब आपको पता है ना कि आप अगर टीचर हो तो आपने एक क्राइटेरिया रखा होगा कि भाई ए ग्रेड का इतने से इतने मार्क होना चाहिए, जैसे परसेंटेज के लिए करते हैं, बी ग्रेड वाले इतने इतने तक, तो यही पैटर्न यहाँ पे यूज कर रहे हैं। देखो एंड में ये होता ना, दोनों को बराबर होना चाहिए भाई, 60 से ऊपर हो 80 तक और 80 से नीचे हो 60 तक, तो वो बी ग्रेड में, ये दोनों को फॉलो करेगा, 80 से ऊपर हुआ तो ए ग्रेड पे, फिर यहाँ पे 60 से 80 के दरमियान हुआ तो क्या होगा, बी ग्रेड करो उसको। अगर ये भी नहीं होता, इफ एल्स, अगर ये भी नहीं होता 80-60 के अंदर भी वो नंबर नहीं है जो टैक्स बॉक्स में वो डाल रहा है, ना 80 से ऊपर है ना 80 है ना 60 से ऊपर, उससे भी नीचे हुआ, इफ एल्स, वो कंडीशन चेक कर रहा है, ये दो से ज्यादा कंडीशन हो गया, इसीलिए हम इफ एल्स इफ देन एल्स इफ पे आए हुए हैं, ठीक है। फिर मुझे तीसरे कंडीशन पे क्या करेगा जी, वो नंबर आपका यहां तो 40 हो, 40 से ऊपर हो और 60 के नीचे हो, ठीक है, तब वो आपका ग्रेड शो करे सी। अभी तीसरा अगर वो कंडीशन भी मतलब वो कंपाइल नहीं होता, वो जो नंबर आपने इसमें डाला है टेक्स्ट बॉक्स में वो 40 भी नहीं है, 40 और 60 के दरमियान, तब भी वो ग्रेड सी वैल्यू डाल देगा, ग्रेड के अंदर सी ग्रेड डाल देगा। अगर वो भी नहीं होता तो हमने प्रोग्राम को कर दिया, अभी आखिरी डिसीजन यही डाल दो, अगर 80 से लेकर ये तीन डिसीजन 40 नंबर तक, 40 से 60 की 80 तक की एक रेंज बनाई है, इसमें हमने ए बी सी तीन ग्रेड डिवाइड कर दिए, या ऑपरेटर लगा के अर्थमेटिक और कौन सा कंपेरिजन या कंडीशनल कह लो, और दूसरा लॉजिकल लगा के हमने कंपेरिजन कर दिया, ए बी सी में नहीं आ रहा है, 40 तक आखिरी नंबर दिया, उससे नीचे अगर कोई भी नंबर आ गया उसका डाल दो ग्रेड डी, सिंपल, एल्स एल्स आखिरी एल्स करके डी, इफ को एंड कर दो और ये सब जो है ना प्रोग्राम को बंद कर दो। ये है आपका इफ देन एल्स स्टेटमेंट। ये चॉइसेस हम बहुत सारे एग्जांपल्स, अभी ये प्रोग्रामर आप हो, आप सोचोगे हम किस तरह के प्रोग्राम डिजाइन करेंगे जहां पे इस चीजों की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही है बात, कुछ हजम हो रहा है?